भारतीय अनुकंपा वाला आपका कर्मचारी है, लग रहा है इसके बाप के घर से देना है तो सस्पेंड कीजिए। प्रचार का कर दिया है कि विधायक रुकवा दिए, मुख्यमंत्री का मिशन को फेल कर देगा ये ऐसा ऐसा जलील करने वाला। अभी 500 से ऊपर लोग अभी थानादार है, सीओ मैं वीडियो लगाओ ना रे, वीडियो में इसको लगाओ ना, डीएम साहब को वीडियो कॉल में पानी दिखाओ डीएम साहब को। पहले बात सुनिए डीएम साहब, ये बच्चा जो डूब के मरा है, घर से निकला तो इसका पैर पानी में पड़ा, पूछ लीजिए आपके सीओ मैडम है। और उसी 5 साल के बच्ची घर से पानी में निकली और उसके बाद उसका पैर स्लिप किया, मर गई। और ये पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये अनुकंपा वाला आपका कर्मचारी है, लग रहा है इसके बाप के घर से देना है। और सीओ मैम को रिपोर्ट उल्टा सीधा, सीओ तो मैम लेडीज है, इतने ये बे डूबा है तब आई है, नहीं तो यो नहीं आती है, थानेदार के आने का सवाल नहीं है। को जाएगा जान जोखिम में डाल ले, 1.5 घंटा में हम यहाँ पहुँचे हैं, नाव से चढ़ के हम लोग आए, आई लोग को दिखाई नहीं दे रहा, तो ये लोग के घर में पानी घुसिए जाएगा तो बाकी क्या रहेगा, घर से सर निकलना मुश्किल हो गया है, चारों बगल से टापू बना हुआ है, पूरा खेत जल मगन हो गया। हम वीडियो आपको मोबाइल पर भेज रहे हैं, अब तो नहीं आप डायरेक्शन दीजिए अपना सीओ को, और ये कर्मचारी तो अनुकंपा वाला इसको कार्रवाई कीजिए। नहीं, सीओ जो है को कर्मचारी रिपोर्ट करेगा, वो लिखेगी, सीओ तो उसी चौक पर बैठा रहता है, इसको सस्पेंड कीजिए। अभी कोई गांव में घुमा फिरा नहीं है, उल्टे प्रचार का कर दिया है कि विधायक रुकवा दिए। हेलो, इस सबको प्रचारित कर दिया है, यहाँ 500 लोग घेर लिया कि विधायक जी काहे रुकवा दिए हैं, बताइए हमारे बाप के घर से देना है कि हम रुकवा देंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि पहला अधिकार पीड़िता का है, आई पीड़िता के साथ ही कर्मचारी दुहार चौके पर से चल जाता है, और सीओ मैडम को उल्टा पुल्टा समझा रहा है, सारा पब्लिक सुन रहा है, हमको सर माने जलील करने पर ही सीओ तुला हुआ है, नहीं एकदम जलील करने पर तुला हुआ है। ये तो रिपोर्ट गांव में घुमा नहीं है, बच्चा डूबा है तब आया है, अगर ये नहीं डूबता तो ये भी नहीं आता। तन सब वीडियो बना के डीएम साहब को भेजिए सर, अभी तक तो बाढ़ से सामग्री कोई सामान, अरे भेजिए अभी कोई रिलीफ का सामग्री, तो बाढ़ नहीं बताया गया है, तो आएगा कहाँ से रिलीफ का। अभी डीएम साहब बेचारे देने के तैयार है, दोनों इनके हाकिम लोग रिपोर्टवा करेगा तब आएगा, लग रहा है कि इन लोग के बाबूजी के घर से खर्चा हो जाएगा, इसीलिए ये लोग तेला बेला। डीएम साहब तो फेरी जेंटलमैन है, वो तो परसों से डीएम देने के लिए तैयार है, लेकिन इनका हाथ गोड़ है, कर्मचारी है, तो महिला है, इनको क्या बोले। सर सीओ मैडम बोली थी पिछले बार आई थी तो हम नाव की व्यवस्था करवा देंगे। हाँ, ये लोग कह रहा है पब्लिक की नाव नहीं मिलेगा, ये लोग चल जाए पैदल। सीओ मैडम पिछले बार बोली थी हम नाव की व्यवस्था, नाव के हमारे सामने बोली थी, अभी तक कर्मचारी ड्यूटी करे तब तो, कर्मचारी आता नहीं है, एक और नाव नहीं आया। डीएम साहब पिछला बार कर्मचारी बोली, सीओ बोली कर्मचारी को कि नाव दो, आई एक बार गांव में नहीं आया, नाव नहीं गया, एक भी नहीं नाव आया है। डीएम साहब ये बहुत बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है, पब्लिक यहाँ पूरा आपके थानादार बेचारे बैठे टुकुर टुकुर ताक रहे, पूछ ना लीजिए थाना में कौन कौन गांव में पानी घुसा है, लखौरा बारवा कहाँ कहाँ गया है, 6 पंचायत में धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, नहीं सब ऐसे ऐसे लापरवाह कर्मचारी पर जैसे बंजारी सुगौली में कार्रवाई की है, वैसा ही दोनों आदमी पर कार्रवाई कीजिए, नहीं एकदम कार्रवाई कीजिए, पब्लिक का डिमांड है, ये डायरेक्शन मुख्यमंत्री का मिशन को फेल कर देगा, ये ऐसा ऐसा जलील करने वाला आदमी, एकदम जांच करा के कार्रवाई कीजिए जी, कार्रवाई कीजिए सर।